आसिफ अली जरदारी साहब
का हज साथी तौर के ऊपर पाकिस्तान का सदर बनना याद आ रहा है और ये हम सब ने देखा और हम सब देख रहे हैं कि जरदारी साहब एक ही उसूल पर काम करते हैं और वो उसूल है कि हर शख्स बिकाऊ माल है, एवरी वन हैज ए प्राइस। और जरदारी साहब ने सबकी कीमत लगा करके और उनमें से अक्सर वो बेशतर को खरीद लिया है। इस बीमारी से नजात पाती है, कौम इस बीमारी का इलाज चाहती है और इस बीमारी का इलाज मेरे दोस्तों मेरे साथियों अब कौमी असेंबली में नहीं रहा। महंगाई तो है, क्यों है? क्योंकि पाकिस्तानी कौम इन हुक्मरानों की नाहिली और करप्शन की कीमत महंगाई से अदा करती है। और दूसरी चीज, एक तो इनकी करप्शन की कीमत आप अदा करते हैं, जो पैसा स्टील मिल से चोरी हुआ अरबों रुपया वो आपने महंगाई से अदा किया, जो पैसा पीआरए के अंदर चोरी हुआ आपके ऊपर टैक्स लगते हैं वो पैसा पूरा करने के लिए, जो इनकी नाहली और करप्शन चोरी रेलवेज में है वो आप पूरा करते हैं, जो बिजली की चोरी उसकी कीमत आप महंगी बिजली से अदा करते हैं, एक तो इनकी चोरी और दूसरा इस मुल्क के पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते, इस मुल्क के पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा महंगाई के जरिए, इनसे टैक्स कौन निकालेगा बताएं, कौन निकालेगा? आवाज नहीं आ रही, कौन टैक्स निकालेगा इन मुर्गों से? आप मेरे साथ होंगे जब मैं इनसे टैक्स लूंगा, इंशाल्लाह आपको हम पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे और महंगाई कम करके दिखाएंगे। सबसे बड़ा एहसास है मेरे नौजवानों, वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी। हफ्ते को मैं मैनचेस्टर में था बरतानिया में, आपको पता है कि एक रात में उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी को कितना पैसा दिया? 6 करोड़ रुपया एक रात में। इतवार को ग्लासगो में था, वहां भी पाकिस्तानियों ने तरीके इंसाफ के लिए एक रात में खाने पे 2 करोड़ रुपया दिया। ये वो पाकिस्तानी जो जिस वक्त हमने पाकिस्तान का निजाम ठीक किया, यहां पैसा आएगा या डॉलर आएंगे, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फैक्ट्रियां लगेंगी, सरमायाकारी होगी, नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली आएगी। ये आपके अपने पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हैं, वो सिर्फ आज अगर पाकिस्तान में पैसा नहीं ला सकते तो उसकी वजह करप्शन, चोरी, डाके, ये हुक्मरान जो इनसे कमीशन मांगते हैं। तो मेरे नौजवानों, पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, जिस वक्त निजाम ठीक हुआ
यहां एक वो पाकिस्तान बनने वाला है जो इसको बनना चाहिए था इंशाल्लाह, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा काम किया था, तालीम के ऊपर जोर दिया था, एजुकेशन इमरजेंसी नाफिस की थी, कोई भी कैदी उसको वापस करके पैसे ले सकते थे। लेकिन दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर ने कहा कि तुम 10 मुसलमानों को पढ़ा और लगा दो तो मजा दो, यानी कि तालीम को तरजीह दी थी, तालीम पे जोर दिया था। आप तरीके इंसाफ का रास्ता नहीं रोक सकते।